कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत थोड़ी सी ना डिफरेंट सी या सरप्राइजिंग सी वीडियो है आप सबके लिए। मैं सोया हुआ था, मुझे अपने दोस्त की कॉल आई है। उसने कहा कि भाई चली चली बस आ जा। अभी तकरीबन 10:30 हो रहे हैं, 10:36 हुए हैं और मैं नहा धोकर निकला हूँ और उसी के पास जा रहा हूँ। तो आज आपके लिए भी एक सरप्राइज़ है और मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सरप्राइज़ रखा हुआ है उसने। बाय द वे, अभी मैं जिस रोड पे जा रहा हूँ ना, इस टाइम बहुत ही कोई आला किस्म का मौसम हुआ है। यहाँ पर साइडों पे दरख्त हैं, एक साइड पे नहर है, एक साइड पे सूरज निकला हुआ है और धूप जब सड़क पर आ रही है ना, मैं बता नहीं सकता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा सीन आ रहा है यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। पता नहीं कैमरे में आपको सही नज़र आ रहा है या नहीं, मगर इस वक्त जो सीन है और जो कैफियत है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। एक बात करनी थी, ये पता नहीं क्या इस कौवों को क्या होता है, क्या मसला है। साफ गाड़ी देखी नहीं और हगना शुरू कर देते हैं। ये नहीं, मतलब इसका कुछ तुक बनता है। गड्डी चंगी भली साफ गड्डी जा रही है, उन्हें वेख्या गड्डी जा रही है साफ अप्रोच सारी की किराई खूच पा दे। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, ये जो सुई है ना, ये बहुत मुश्किल से ना ऊपर आती है। और जब ऊपर आती है ना, तो दिल खुश हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई फिक्र नहीं। अब ये जैसे जैसे नीचे जा रही है ना, अब फिक्र बढ़ती जा रही है, यार इस पेट्रोल डलवाना है, इसमें फुल करवानी है, इसका पेट्रोल कम है। मगर जब ये टंकी फुल होती है ना, उसका एक अपना अलग ही मज़ा, एक अलग ही खुशी होती है उसकी। और ये देखिए जी, ये हमारा सियालकोट एयरपोर्ट रोड है और रोड का बेड़ा गर्क हुआ है। तो ये देखिए बीट शरीफ जैसे मज़े से जाम समझ। दिल कर रहा है कि मैं ना अपनी गाड़ी पर कुछ पैसे लगाऊं, कुछ इसको भी साफ सुथरा करूं, कुछ इसके इंटीरियर का करूं, इसकी ना सफाई होने वाली है अंदर से सारी सही तरह से, जैसे जर्नल वाश कहते हैं, जर्नल वाश होने वाली है। तो वो जर्नल वाश कराने का प्लान बन रहा है। ये देखें जी, सारा रोड इन्होंने पुट पट के परा मारा हुआ है, सारा रोड इन्होंने उखेड़ दिया हुआ है, सारा रोड इसी तरह। अब ये वन वे ट्रैफिक हो गई है। ये अब आ गया जी एयरपोर्ट, ये अपना एयरपोर्ट है। और ये ये किसकी सिक्योरिटी आ गई है, वो तेरा बोला पूरा खानदान ही। ये पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं, हांगकांग जाना चाह रहे हैं। ये एयरपोर्ट की मेन एंट्रेंस है और एयरपोर्ट से बहुत सी यादें वाबस्ता है मेरी, मेरे वालिद साहब की। अभी तो फिलहाल ना हाँ, अभी आपको नज़र नहीं आएंगे। एयरपोर्ट के साथ ना बहुत सी यादें वाबस्ता है मेरे। इंटर का टाइम था, इंटर के दिन थे, इंटर कर रहा था जब, तो तब ना पापा को यहाँ पर एक गार्डन मिला था। उन्होंने ना 5 कंटेनर बनाने थे ASF के रिहाइश के लिए, वो जो उनके कांस्टेबल्स थे उनकी रिहाइश के लिए ना 5 कंटेनर हमने रेडी करने थे। वो बड़े मज़े के दिन रहे थे। वो हमने कंटेनर परचेज किया, कंटेनर परचेज करने के बाद उनको यहाँ लाए, उनमें काम किया हर किस्म का, उनकी पैलिंग डेकोर फर्श का, और उनमें एसी लगाए, वाशरूम्स उनको प्रोवाइड किए, वो बना के दिए। तकरीबन 6 माह का प्रोजेक्ट था जो किया था उन्होंने। हमने हाँ जी, तो अब ना प्लान हो गया सारा चेंज। अब आपको बात बताता हूँ कि सही बात क्या थी। हमने जाना था गाड़ी लेने, और जिस बंदे से हमने गाड़ी लेनी थी ना, वो है डॉक्टर साहब। और उन्होंने अभी कॉल करके उसको बताया जी कि मेरा ना अब ऑपरेशन है, मैंने एक ऑपरेशन करना, ऑपरेट करना है, तो आप जुमे के बाद आइएगा। पहले हमारा प्लान था कि अभी हम जाते हैं जुमे से पहले, उनको पेमेंट वगैरह हर चीज़ क्लियर करते हैं, गाड़ी लेकर आ जाते। अब मुझे उबैद की कॉल आई है, उसने कहा कि भाई काम हो गया खराब, अब आप जाएं वापस, तो थोड़ी देर तक जो है ना दोबारा मैं आपको अब लेने आऊँगा। और मैंने चले जाना था, मगर गाड़ी जो है ना वो पापा को चाहिए, उन्होंने कहीं जाना था, उन्होंने मुझे कॉल ही कहा था। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस। तो
अच्छा, तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये क्लासिक स्कूल की बिल्डिंग है इस वक्त। यहाँ पर पहले होता था कॉलेज, तो आपका भाई यहाँ पे ना जॉब करता था पहले, तो कोरोना आया, कॉलेज भी गया, जॉब भी गई, उसके बाद फिर आपके भाई ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। उसके बाद मैंने ना एक शॉप स्टार्ट की हुई है शफी फैब्रिक्स के नाम से। तो वो जो आप बिल्डिंग देख रहे थे ना, वहाँ पर पहले होता था कॉलेज LEC, तो मैं वहाँ पर एडमिन की जॉब करता था। फिर आ गया कोरोना, कोरोना के बाद कॉलेज भी गया, जॉब भी गई, तो फिर मैंने ना अपना खुद ही सेटअप स्टार्ट कर लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब मैं ना कपड़े का कर रहा हूँ काम, ऑनलाइन भी कर रहा हूँ, मेरी शॉप भी है रिटेल की, तो वहाँ पर मैं ओरिजिनल ब्रांडेड कपड़े जो है वो सेल कर रहा हूँ। अगर आपने कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं उसका लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम पर विजिट करिएगा, आप ऑर्डर करिएगा, आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी चीज़ मिलेगी और मुनासिब कीमत पर मिलेगी, डिस्काउंट पर मिलेगी। इस गाड़ी के एक आपको खूबी बताऊँ, ये देखिए कितनी एवरेज आ रही है, 18.1 के। मैंने और पापा ने प्लान किया था हम इसको सेल करके ना चेंज कर लेते हैं, मगर जब ये चीज देखते हैं ना, आज दिल ही नहीं करता इसको देने को। ये देखें AC चल रहा है इस गाड़ी को ना, बस ये चीज इसकी मार देती है। और अब एवरेज आ रही है 18.6, मतलब 18.6 इसकी एवरेज आ रही है। नॉर्मल स्पीड पे जा रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं है, 70 की स्पीड पे हूँ, AC चल रहा है, और देखिए इतनी अच्छी एवरेज। मैं कहता हूँ मैं, आप देखिए 17 हो गई 7 हो गई है, 18.7 हो गई है, और रश। तो इस वक्त हम इंतज़ार कर रहे हैं बैग का, उसने कहा मैं आता हूँ तो मैं लेके जाता हूँ। मैं अभी तक उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, पिछले को आधे घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और वो अभी तक नहीं आया। हाँ जी आ गए वो बैद साहब, वो आधे घंटे से इंतज़ार करा करा के तो ये अब आए हैं। हाँ भाई भाई इन्ना टाइम ये नहीं जल्दी तीन दुकान बंद है भाई, छुट्टी चुप चलिए, चले चल ठीक है अब्दुल्ला, तुम भी यहाँ से कर जाना। इस बैग में भरे हुए हैं सारे पैसे, सारा खेल इस बैग का है। वैद भाई कैसा लग रहा है आपको इस बार, हैं आपने इतनी ज्यादा पेमेंट कर ली है? बात कर नहीं ना बताएं ना, समझा करो ना जिस बात, अब परेशान है। ये अब वैद भाई वेट कर रहे हैं गाड़ी का, गाड़ी नहीं आ रही, डॉक्टर साहब गाड़ी नहीं आ रही। माशाल्लाह उबैद भाई गाड़ी तो बहुत साफ सुथरी मिली है आपको, इसका आप करेंगे रिव्यू किसी दिन ना, तसल्ला से बैठ के इसका रिव्यू करेंगे। तो उबैद भाई ने गाड़ी ले ली है, गाड़ी है होंडा सिटी एस्पायर 1.3, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही साफ गाड़ी है, दिल खुश हो गया, रूह ताज़ा हो गई है गाड़ी देख कर, और इसकी ड्राइव और इसकी कम्फर्ट, आये हाय 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 क्या बात है क्या बात है। यार कोई चीज बस टाइम बदले, राती होंगी चिल काका देने होंगी रेस्ट, पैसा जट्टा दा पूरा हसले चे नवेस्ट, यार केले हज नाला बंदा टोकने नू काला काका पेशेंस है काटे एवे करी ना तू टेस्ट, चली सी ने तोड़ा खाई दिया पीन काले कांच, यार चाची स्कैम बदले कंजे कहने कंजे कहने वहम बदले। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ले लिया मैंने, इसकी ड्राइव भी चेक की है, क्या आउट क्लास किसकी ड्राइव है, दिल खुश हो गया,
मैं कहता हूँ पैसे पूरे हो गए हमारे जो हमने लगाए हैं गाड़ी, इतनी साफ गाड़ी मिली और इतनी बेहतरीन है ना, तो दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। Obrigado, sua prima.